तो दोस्तों खबर है बड़ी मजेदार। चिंकी पिंकी खिलाड़ी ने ओलंपिक में हमारी मीराबाई चानू को हराकर गोल्ड मेडल जीता था, पर अब पता चल रहा है कि कोरोना देश जो है चिंकी पिंकी उसकी ये खिलाड़ी ने असल में कोई नशा किया था एक प्रकार का। ये चिंकी पिंकी साले कुत्ते सुअर सब कुछ तो खा लेते हैं और उसके बाद ये नशा भी करते हैं उसके ऊपर। तो इस चिंकी पिंकी ने किसी प्रकार का नशा किया था, पता नहीं सांप का जो सूप पिया था कि केचुए का सूप पिया था कि साली ने उसका वो क्या औरत है चमकादड़ उसका सूप पिया था। ये चिंकी पिंकी तो गंदी हैं सच में पृथ्वी के ऊपर भैया, गंदा गंदा खाते हैं, गंदी गंदी बदबू मारते हैं, फिर सबको कोरोना फैलाते हैं। फिलहाल जो ये खिलाड़ी है चिंकी पिंकी, इसका नाम है हो। अब भूत को नहीं कहते हमारे देश में, हो आ, जैसे हमारे देश में भूत को नहीं बोलते बच्चे को डराने के लिए कि सो जा बेटा वरना हो आ जाएगा, वो इसका नाम है हो। हो का अब डोप टेस्ट होगा, इसने किसी प्रकार की ड्रग लेकर इतना वजन उठाया था। जबकि हमारी मीराबाई चानू अंदर से स्ट्रांग 26 वर्षीय है, उसने सिल्वर जीता, हमें सिल्वर से भी कोई दिक्कत नहीं। अगर चिंकी पिंकी ये असल में करते हैं हरामखोर तो हमें, लेकिन कहते हैं ना कि गेम फेयर होना चाहिए। देखो अगर चिंकी पिंकी साले ये हरामखोर कभी भी फेयर गेम खेलते नहीं, इन्होंने जब भी किसी के साथ दोस्ती की है उसको धोखा दिया है, दगा दिया है। मैं तो कह रहा हूँ सारे चिंकी पिंकियों की जांच होनी चाहिए, इन्हें सबको कोई ना कोई बीमारी, ड्रग, कोरोना, सांप, बिच्छू का जूस पीना, इन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा 101%। धरती पर अगर कहीं पर राक्षस पैदा हो रहे हैं तो वो चाइना में हो रहे हैं। इन्हें कुछ भी खिला दो ये इंसान को भी खा जाएंगे, एक दूसरे को मार के। अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो ये इंसान एक दूसरे को मार के खा जाएंगे और पूरी दुनिया में कोरोना फैलाएंगे ये। अब ये हरामखोर ओलंपिक में जाते हैं ड्रग लेके, वहां ड्रग पी के, और फिर ये वजन क्या सब उठा लेंगे। भाई ड्रग में बहुत ताकत होती है, जैसे कि आपको आती है ना ताकत चाय पी, जैसे आपको ताकत आती है ना चाय पी के, वैसे इन चिंकी पिंकियों को ड्रग पी के ताकत आती है। ये शायद खून वून भी पीते हैं एक दूसरे का, मैंने सुना है इनके देश में एक दूसरे का खून भी पिया जाता है, यानी बंदर का पीते हैं कि सुअर का पीते हैं, पता नहीं। इनके देश में तो भैया बड़ा ही गंदगी है, ये कितनी भी तरक्की कर ले, कहते हैं ना गंदी नाली का कीड़ा नित गंदी नाली में ही अपने आप को रहना पसंद करता है। चिंकी पिंकी कितनी भी तरक्की कर ले साले हैं तो गंदे ही। अब इनसे कोई गंदी सी बदबू आती है इनके पास से, यहाँ आते थे पहले ऋषिकेश में एक दो चिंकी पिंकी आई, इतनी गंदी बदबू मार रहे थे भाई, मुंह खोला उसने सिगरेट पीने के लिए और मैंने उसका जो अगरबत्ती यानी कि वो जो सिगरेट पकड़ रखी थी उसमें मैंने जला दी माचिस की। मैंने कहा भाई दूसरे देश से आया, चिंकू पंकू पतली सी नाक थी, आँखें तो गायब भी हो रखी थी, तो मैंने जलाने के लिए उसके पास गया। इतनी तेज़ भभका मारा उसने बदबू का अपने मुँह से कि मेरे तो भाई 3 दिन तक नाक बंद रही और मैं तो बेहोश ही हो गया था, उसके नीचे गिरने को तैयार हो गया था। पर किसी तरह से मैंने अपने आप को संभाला और फिर मैंने अपने आप को उससे दूर किया। सबसे पहले तो मैंने कहा भैया इससे दूर रहो, ये साला पता नहीं कौन सी बीमारी अपने मुंह में भर के लेके आया, भाप के जरिए दूसरों को छोड़ रहा है। तो भाई साहब अच्छी बात यह है कि हमारी मीराबाई चानू का जो वेट लिफ्टर है उनका जो है पदक रजत से अब स्वर्ण पदक बन सकता है, मेडल गोल्ड मिल सकता है उन्हें। आज वो हिंदुस्तान लौट रही हैं, आप सबसे विनती है कि उनका स्वागत करें भाई, उनका मान बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं। और मैं भी उनसे विनती करूंगा अगर कभी उनका दौरा लगे ऋषिकेश का तो मेरी ओर से चाय उनको फ्री है, बिल्कुल चाय वाला चाय वाला चाय।